जालौन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमीटा में समाजवादी पार्टी के युवा नेता एवं युवा समाज सेवी कपिल ने एक जन चौपाल लगाकर युवा साथियों को एकत्र होने की बात कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास कार्यों के बारे में ग्रामवासियों को जानकारी दी, जैसे कि छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरण एवं 108 एम्बुलेंस ड्राइव 100 और तो। और उन्होंने कहा, हमारे देश का किसान बेहद परेशान है, जहां तक कि आत्महत्याओं जैसी कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की पूर्व समाजवादी सरकार में अगर कोई किसान भाई आत्महत्या जैसे कदम उठाता था तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उस किसान भाई को कम से कम 7 लाख की मदद मुख्यमंत्री कोष से देने का काम करते थे। इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा में अब लोग हकीकत जान चुके हैं। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव की तरह ही कैरेना के उपचुनाव में भी जनता भाजपा को शिकस्त देगी। दीपक तपा के साथ कैमरामैन देवेंद्र पेरोनिया। गली में अगर आप निकल रहे हैं, अगर पत्थर भी पड़ा है रोड पर, तो आप पत्थर को उठा के एक साइड रख देंगे, वो भी एक समाज सेवा होती है। और आप लोगों को बताना चाहते हैं हम कि हम समाजवादी पार्टी के युवा नेता, युवा कार्यकर्ता कपिल यादव गुमावली अखिलेश यादव के आदेश अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं। आज 2 ग्रामों में लगभग जाना होगा, 1 भी जाएंगे। अभी जो है अमीटा गांव है, ये अमीटा में आए हैं। तो एक हमारे साथी चले गए अभी थे, कुशवाहा जी, क्या नाम था? धीर सिंह कुशवाहा जी। उनको जो है बड़ी बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी। तो हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम उनकी मदद करेंगे और कहीं ना कहीं अखिलेश भैया से उनकी मदद दिलाने का काम करेंगे हम। साथियों, इसके जालौन जिला के अमीटा गांव में, जहां हमारे युवा नेता कपिल जी गुमावली ने लोगों की जन समस्याएं सुनी, आज हमने चौपाल लगा करके समाजवादी पार्टी की ओर से एक चौपाल लगा करके छोटे से गांव में लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याएं सुन करके उनको मदद दिलाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं से एक अभी वीर सिंह कुशवाहा जी को भी मैंने, उनको बड़ी बीमारी थी कैंसर की, तो उनको भी आश्वासन दिए हैं, उनकी मदद कराएंगे डीएम साहब से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिख करके देंगे, उनसे भी मदद कराने का काम करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग गाँव में गए थे, तो हमारा गाँव में जाने का मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य लक्ष्य यही है हमारा कि हम लोग समाज में जो गंदी राजनीति फैल रही है उसको हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी साथी मिल करके उसको सुधारने का काम करें, और सभी लोगों को, आज मध्यम वर्ग के लोगों को, सभी लोगों को एक होने की ज़रूरत है आज। इससे आपकी पार्टी को क्या संदेश पहुंचता है? हमारी पार्टी मजबूत होगी अगर आज हम किसी लोगों की, जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके लोग हमारी मदद करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे 2019 में आने वाला लोग। जालौन जिला के छोटे से गाँव अमीटा में, जहाँ युवा साथी हमारे कपिल गुमावली जी जन चौपाल लगा कर लोगों की सुनी समस्याएं, चलिए उनसे बात करते हैं। कपिल जी गुमावली से जी, हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार हम लोग गांव-गांव जाते हैं और किसानों की समस्याएं सुनते हैं। जो किसानों की समस्या होती है उनको लेकर के जैसे कि बड़ी बीमारी कोई, या किसी आर्थिक तंगी के चलते कई किसान हमारे आत्महत्याओं जैसे कदम उठा रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हम जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को गांव-गांव और गली गली भेज करके चौपाल लगाने के आदेश दिए और हम लोगों से कहा कि उनसे जिलाधिकारी से मिलकर के उनकी मदद कराइए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लिख करके दीजिएगा, उनकी मदद कराने का काम करें। इससे आपकी पार्टी को क्या संदेश जाता है? यादव इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। कपिल जी का कहना है, हमारी पार्टी रहे या न रहे, लेकिन हम लोगों की जन समस्या सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। भाई, मेरा नाम हसन यादव मौकरी है और हम सब समाजवादी साथी कपिल भाई और हमारी पार्टी की आप मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। अभय जी से मिल लीजिए। मेरा नाम है अभय यादव और मैं समाजवादी सरकार का एक आए हैं कि पार्टी को एक संदेश जाए या ना जाए, लेकिन उनका कहना है अखिलेश भैया जी का कि हम वो काम करेंगे, हम सत्ता में रहें या ना रहें, हमारी सरकार रहे या सत्ता में ना रहे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो उसके प्रतीक हम खड़े हैं, उसके साथ हमारा कार्यकर्ता खड़ा है
और उसके सुख दुख में शामिल हम सभी कार्यकर्ता होंगे। हूँ कि जो भी सत्ता में जो हमारी सरकार है उसके जो गलत काम है उनको हम रोकने का कार्य करेंगे और हमारे जो मजदूर किसान भाई हैं उनकी हर तरीके से तन मन धन से मदद करने का कार्य करेंगे।